हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, माय नेम इज संकित राव का और आज हमारा तीसरा दिन है, तीसरा लेक्चर है जिसमें हम हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे और उसमें आज हम देखेंगे बिजनेस क्या होता है और उसके फीचर्स क्या है, राइट। आज से हमारा सिलेबस एक्चुअल ट्रैक पे स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट वीडियो, होप सो आपने लास्ट वीडियो मेरे देखे होंगे जिसमें मैंने फर्स्ट वीडियो में देखा था, दिखाया था कि सिलेबस में कौन से टॉपिक है। एंड आज के वीडियो में, सेकेंड वीडियो में हमने देखा था एक ओवरव्यू, जो हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट टॉपिक उसका थोड़ा सा एक ओवरव्यू देखा था। तो आज हम देखेंगे फर्स्ट टॉपिक का स्टार्टिंग, जिसमें सबसे पहले हमें आएगा ह्यूमन एक्टिविटीज। मैंने बोला था ना आपको, चार्ट में बस समझ लो कंसेप्ट क्या है, डिटेल में हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो आज हम देखेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटीज में, जैसे हमने उस दिन देखा था कि ह्यूमन एक्टिविटी में दो तरीके की एक्टिविटी हो सकती है, एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे बोलते हैं, जहां पर मॉनिटरी टर्म्स यानी कि पैसा जहां पर इन्वॉल्व होता है। एग्जांपल के तौर पर हमने लिया था कि होटल में हम जाके खाते हैं, वही अगर हम घर पे खाते हैं तो इन दोनों में क्या फर्क है, दोनों में तो सेम एक्टिविटी, खाना बनाना है एंड खाना है। तो होटल में जो शेफ बनाता है हम उसके लिए उसको पे करते हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। बट घर पे मम्मी जब खाना बनाती है तो उनको कुछ हम पे करते हैं क्या, नहीं करते, क्योंकि वहां पर नेचुरल एक्टिविटी होती है, जैसे कि फैमिली ऑब्लिगेशंस बोलो या फिर हम बात करते हैं कि एक प्यार होता है माँ बेटे के बीच या घर फैमिली मेंबर्स के बीच, ओके। तो उसके वजह से वो एक्टिविटी कर रहा है कि जहाँ पर मेंटल सेटिस्फैक्शन ये इन्वॉल्व होता है, एज वेल एज मैंने बोला था कि कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब क्या, कि समथिंग इन रिटर्न। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंसिडरेशन क्या रहेगा कि आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंसिडरेशन रहेगा मॉनिटरी टर्म्स में, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो सामने वाला भी सर्विस आपको दे रहा है, कोई गिफ्ट कर रहा है, ये सारी चीजें मॉनिटरी टर्म्स, ओके। तो आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं, हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। तो सबसे पहले उसमें जो एक पॉइंट आता है वो है ह्यूमन एक्टिविटीज, राइट। अभी ह्यूमन एक्टिविटीज में दो तरीके की एक्टिविटीज है, ओके। एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या क्या है, बिजनेस, राइट। हमने देखा था बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसको हम जॉब भी बोल सकते हैं या फिर सर्विस सेक्टर भी बोल सकते हैं, या फिर सर्विस, एक्चुअली प्रोफेशन भी सर्विस में आता है, लेकिन जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी दूसरे के बिजनेस के लिए काम करते हैं। बिजनेस में हमें रिटर्न में क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। प्रोफेशन में क्या मिलेगा, फीस मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट में क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा, ओके ना। और जो प्रोफेशन होता है वो किसी एक नॉलेज के थ्रू, मतलब किसी अपने कोई पर्टिकुलर सेक्टर में डिग्री ली है तो आपको प्रोफेशन, आप प्रोफेशन में आते हो एंड आप सर्विस प्रोवाइड करते हो। तो बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो क्यों होती है, किसके लिए होती है। तो एक है लेजर, ओके। लेजर मतलब आप बोल सकते हो टाइम पास, या फिर अपन बोलते हैं ना फावला वेयर जला अपन मन तो, ओके। जो नॉर्मल एक्टिविटी हम करते हैं, अभी जैसे कि लॉकडाउन में 3 महीने घर पे बैठे हुए थे, राइट। अभी आप सोशल मीडिया देखते ही हो कि जिसके ऊपर रोज कोई ना कोई एक नया डिश डाल रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। लॉकडाउन में किसी ने केक बनाया, लॉकडाउन में किसी ने पाव भाजी बनाई, किसी ने पानी पूरी बनाई। अभी ये सारी एक्टिविटी जो थी, यही चीज़ पाव भाजी पानी पूरी बाहर जाके हम पैसे दे के खाते थे, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में। बट वही हम हमारे मतलब खाली समय में, या जलमन तो अपन फावला वेड़े थोड़ा फार कहीं तरी नवीन करूँ गे। सो ये चीज़ लेजर में आती है, और वो जो एक्टिविटी होती है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, राइट। देन उसके बाद में है रिलीजियस एंड कल्चरल एक्टिविटी, ओके। जैसे कि आप मंदिर में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, जो भी आपका रिलीजन है उस हिसाब से आप जो एक्टिविटी करते हो रेगुलरली, भगवान के आगे माथा टेकते हो, अपने माँ बाप के पैर पड़ते हो, ये सारी चीजें रिलीजियस एक्टिविटी। इसमें भी कुछ रिटर्न में नहीं मिलता, वो बात अलग है कि एग्जाम जब रहती है तब अपन भगवान के पास जाते हैं, रिजल्ट के पहले अपन भगवान के पास जाते कि भाऊ मैं 100 रुपये दान करल, मैं 10 नारळ फोड़ल, माझा रिजल्ट चांगला लागून दे। बट वहां पर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है क्या, नहीं होती, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। नेक्स्ट है सोशल वेलफेयर एक्टिविटी। आपने सोनू सूद बाबा, ओके, अभी उन्होंने जो ये लॉकडाउन के पीरियड में काम किया, सोशल एक्टिविटी है, सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। अभी जैसे कि आप देख भी रहे होंगे कपिल शर्मा शो में चालू भी है, ओके, लास्ट मतलब सैटरडे संडे का ही वो जो शो था। तो सोनू सूद ने जो किया वो वेलफेयर एक्टिविटी, उसमें कुछ रिटर्न मिल रहा है क्या उनको, कुछ भी नहीं, ओके, एक बस मेंटल सेटिस्फैक्शन उनको मिल रहा है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा।
इसको हम थोड़ा सा चार्ट फॉर्म में देखते हैं। देखो ये चार्ट जो है, एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट क्लास ज्वाइन करे, कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं, तो एक नोटबुक आपने बनाना है, जो भी मैं पीपीटी आपको दिखाऊंगा उसको लिख के लेना है, क्योंकि मैं जो पीपीटी बनाता हूँ वो पॉइंट्स उठा के ही बनाता हूँ। मतलब जो भी प्रेजेंटेशन या भी मेरा लेक्चर होता है, हम टेक्स्ट बुक में से भी ये चीज सारी कवर करने वाले हैं, लेकिन आगे पहले हम वो कंसेप्ट को समझेंगे और उसको हम कैसे लिखते हैं। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत मस्ट होता है, तो लिखते कैसे हैं और समझना पहले इंपॉर्टेंट होता है। हम टेक्स्ट बुक के ऊपर भी जाने वाले हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक जब टॉपिक खत्म होगा तो एक ओवरव्यू हम टेक्स्ट बुक का करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, आपकी रिविजन भी हो जाएगी इसी टॉपिक की, राइट। तो ये हर टॉपिक के साथ में होता है। तो स्टार्टिंग में जो भी आपको प्रेजेंटेशन या जो भी वीडियो होगा मेरा, उसको नोट डाउन करना प्लीज। नेक्स्ट, ह्यूमन एक्टिविटीज। अभी ह्यूमन एक्टिविटीज में दो तरीके की एक्टिविटी, एक होती है इकोनॉमिक, दूसरी नॉन इकोनॉमिक। अभी हमने डिस्कस किया इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या होता है, बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, मींस ऑफ लाइवलीहुड, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर अपन डिस्कस करते आगे। लेकिन नेक्स्ट, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में दिया है लीजर टाइम एक्टिविटीज, जैसे कि प्लेजर के लिए, शांति के लिए, या फिर हॉबी बोल के हम करते हैं। ओके, खाली टाइम है तो हम थोड़ा गेम खेलेंगे, इंस्टाग्राम पे जाएंगे, फेसबुक पे जाएंगे, स्क्रोल करेंगे, देखेंगे कमेंट क्या है, फोटो पोस्ट करेंगे, या फिर कुछ टाइम होता है तो कहीं बाहर जाके आएंगे, घूम के आएंगे, दोस्तों को मिल के आएंगे, सो दैट्स एक्टिविटी। ओके, फैमिली ऑब्लिगेशन एक्टिविटीज, जैसे कि लव फॉर फैमिली है, या फिर जैसे कि पापा का बर्थडे है, मम्मी का बर्थडे है, बहन का बर्थडे है, भाई का बर्थडे है, तो अपन सेलिब्रेट करते हैं, या फिर हम बात करते हैं किसी शादी में हम जाते हैं, वो शादी अटेंड करते हैं, सो ये सारी चीज़ें फैमिली ऑब्लिगेशन एक्टिविटीज। देन उसके बाद में रिलीजियस एंड कल्चरल एक्टिविटी, सो ये मेंटल सेटिस्फेक्शन देने का काम करती है। नेक्स्ट, सोशल वेलफेयर, ये सिंपथी फॉर ऑदर्स, जैसे कि सिंपथी के लिए, और दूसरा अपन मेंटल सेटिस्फेक्शन भी बोल सकते हैं। तो फर्क क्या है दोनों में? अगर आपको जीना है, जिंदगी जीना है, तो उसके लिए मनी भाई तो लगेंगे, यानी कि पैसा तो लगेगा। तो फर्क यही हो जाता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो मींस ऑफ लाइवलीहुड, मतलब जगने के लिए जरिया है। ओके, जो बोलते हैं ना बेसिक चीजें चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, उसके लिए भी पैसा चाहिए। देन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है प्लेजर एक्टिविटी होती है कि हाँ, इसके सिवा भी जिंदगी है, नो डाउट। ओके, बट ऐसा भी नहीं है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे टॉपिक का, हमारे सिलेबस का, हमारे कॉमर्स का, वो है बिजनेस। तो बिजनेस के बारे में देखेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, होता क्या है बिजनेस। मैंने स्टार्टिंग में बताया था बिजनेस मतलब क्या, बिजीनेस, मतलब बिजी रहना चाहिए हर बार, और होता भी है बिजनेसमैन हमेशा कोई ना कोई चीज में बिजी ही रहता है, ठीक है। तो एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर हैनी, उनका कहना है बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोडक्शन एंड द प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ। वेल्थ का मतलब क्या होता है बच्चों? वेल्थ का मतलब होता है संपत्ति, राइट। तो बिजनेस ये प्रोसेस है कि जिसमें आप एक पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करोगे, प्रोडक्शन करोगे और आपके वेल्थ का प्रोसेस करोगे, या फिर आउटपुट लोगे। सिंपल भाषा में बोलूं तो बिजनेस अलग अलग तरीके से होता है, और बिजनेस में ये चीज आती है क्या, रॉ मटेरियल कलेक्ट करना, उसके प्रोसेस करना, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना एंड आगे बेच देना। बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी जिसमें आती है, दो पार्टीज जिसमें इन्वॉल्व होती है, वो है बिजनेस। अभी बिजनेस कौन सी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बाइंग एंड सेलिंग, ये दो पार्टीज उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। इसके अंदर हमें क्या मिलेगा रिटर्न में? हमें प्रॉफिट मिलेगा। देखो ये सारी चीजें फीचर्स भी हो गई बिजनेस की कवर। तो कंसेप्ट ऑफ बिजनेस समझा कि जहां पर आपको समथिंग इन रिटर्न मिलने वाला है इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, इन फॉर्म ऑफ मनी, और ये इकोनॉमिक एक्टिविटी रहेगा। देखते आगे फीचर्स ऑफ बिजनेस। तो बच्चों फीचर्स क्या होता है? फीचर्स मुझे मराठी सांगायचं झालं तर वैशिष्ट्य। ओके, बिजनेस ची वैशिष्ट्य काय आहे, कि का बिजनेस, म्हणजे बिजनेस किती इम्पॉर्टंट आहे, आणि त्याची वैशिष्ट्य किंवा फीचर्स या फिर इम्पॉर्टन्स, सिग्निफिकन्स, ये अलग अलग नाम इसको हम यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्या दिए है। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, फर्स्ट पॉइंट क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऑफकोर्स वो जो ह्यूमन एक्टिविटीज में इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसमें ही मेरा बिजनेस दिया गया था। नेक्स्ट है टू पार्टीज, दो पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती है। कौन सी दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है? एक होता है बायर, एक होता है सेलर। अब बायर कौन, सेलर कौन, मैं आपको बताऊंगा आगे। नेक्स्ट है प्रॉफिट मोटिव, हम बिजनेस क्यों करते हैं भाई, क्यों धंधा कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। रिटर्न में क्या चाहिए, हमें प्रॉफिट चाहिए। देन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देखो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मतलब क्या, कि बिजनेस करना है तो कोई ना कोई गुड्स लगेगा,
अभी जरूरी नहीं सिर्फ गुड्स ही चाहिए, सर्विसेज भी हो सकता है, सर्विसेज का भी बिजनेस होता है, जैसे कि होटल इंडस्ट्रीज, होटल इंडस्ट्रीज में गुड्स भी होते हैं, मतलब वो जो फूड आपको देते हैं उसको गुड्स बोलते हैं, एंड सर्विसेज भी होती है, सर्विस यानी कि वो जो वेटर आता है, क्लीन करता है, आपसे ऑर्डर लेके जाते हैं, वो हॉस्पिटैलिटी जिसको हम बोलते हैं। सो गुड्स एंड सर्विस दोनों भी इसमें इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक हाथ ले एक हाथ दे। ओके, ये पहले भी होता था, बार्टर सिस्टम आपने सुना भी होगा पहले, जिसमें क्या होता था कि मेरे पास गेहूं है आपके पास बाजरी है, तो मुझे मेरे गेहूं लो और मुझे बाजरी दो, ये बार्टर सिस्टम बोलते हैं इसको। ये पहले होता था, पहले जमाने में होता था, आजकल क्या है आपको जो भी परचेस करना है उसके अगेंस्ट में आप क्या देते हो, पैसा देते हो। ओके, जब पैसा दोगे तब गुड्स मिलेगा, या फिर मैं एज अ बिजनेसमैन मैं पैसा लूंगा एंड देन फिर गुड्स दूंगा। नेक्स्ट है डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स, ये कंटिन्यूएशन में चलते ही रहेगा, जब आपका बिजनेस बंद करना है तभी बिजनेस ये जो डीलिंग जो है वो स्टॉप होगा, अदरवाइज आप देखते होंगे आपके घर के बाजू में रोज ही दुकान खुलती है ना, ऐसा है क्या कि वो मन में आया तब खोलेंगे, जब करना है तब करेंगे, ऐसा नहीं होता ना, मतलब आज खोला फिर 2 साल के बाद में खोलेंगे, तो उसको बिजनेस नहीं बोलते, बिजनेस जो है वो रेगुलर एक्टिविटी है। नेक्स्ट है अनसर्टन रिटर्न्स, अनसर्टन रिटर्न्स मतलब रिटर्निंग मतलब क्या होता है, आरओआई जिसको बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो मुझे बिजनेस करना है तो मुझे पहले पैसा लगाना पड़ेगा, ओके, और पैसा लगाता हूँ मैं, कहाँ पे पैसा लगाऊंगा कि जहाँ पर मुझे रिटर्न मिले। अभी आज मैं 3G फोन बनाने के मैन्युफैक्चरिंग में पैसा लगाऊंगा क्या? नहीं, क्योंकि 5G आ रहा है, तो मैं पैसा कहाँ लगाऊंगा, 5G में लगाऊंगा। तो अभी जरूरी नहीं है कि 5G आगे चलेगा भी। सो ये चीज होती है अनसर्टन, मतलब फिक्स हम नहीं बोल सकते हैं कि ये हमारा रिटर्न है, राइट। नेक्स्ट एलिमेंट्स ऑफ रिस्क, रिस्क तो इन्वॉल्व होगा ही, ओके। नेक्स्ट है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस में। जो दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है ना, एक बायर एक सेलर, सेलर मतलब जो बिजनेसमैन है वो, बायर मतलब जो कस्टमर है वो, और उसका सेटिस्फैक्शन होना जरूरी होता है। तो हम डिटेल में ये फीचर्स देखते हैं बिजनेस के क्या क्या है। सबसे पहले एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको समझ में आया ही होगा, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट इज अंडरटेकन टू अर्न मनी और लाइवलीहुड, मतलब जो जीने के लिए जो चीजें जरूरी होती है वो अर्न करने के लिए या फिर पैसे के लिए हम ये चीज करते हैं। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ लव और अफेक्शन और फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स एटसेट्रा, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे आगे थोड़ा सा, नेक्स्ट टू पार्टीज। अभी दो पार्टीज कौन होगी भाई, आप देखते हो बिजनेस में, आप बिजनेस मतलब क्या है, आपके सराउंडिंग में जो भी शॉप वगैरह है वो, आप अगर शॉपिंग करने के लिए जाते हो कहीं पे, ओके, तो शॉपिंग करने के लिए जाने के बाद क्या होता है कि वहाँ के जो शॉपकीपर है या फिर बिजनेसमैन या फिर शॉपकीपर जो दुकानदार है वो आपको गुड्स बेचता है, राइट। तो आप उसको क्या देते हो, पैसे देते हो। तो जो बेच रहा है वो सेलर, जो खरीद रहा है वो बायर। देखो यहाँ पर है ना कॉमर्स के बहुत सारे टर्म्स आएंगे, छोटे छोटे टर्म्स जो अकाउंट्स के थ्रू या ओसीएम के थ्रू या इकोनॉमिक्स के थ्रू आपको धीरे धीरे वो वर्ड्स का मीनिंग समझना है। तो अगर कोई वर्ड का मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रहा, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ गुड्स गुड्स, ये जो बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, बायर यूज कर रहा हूँ, सेलर यूज कर रहा हूँ, अगर नहीं समझ रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि सर ये नहीं समझा, मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, या फिर मेरा नंबर भी है, मेरे नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं इन एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन, अभी ट्रांजेक्शन क्या है भाई, ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन होता है, देर आर मेनली टू पार्टीज इन्वॉल्व, नेमली सेलर एंड बायर, तो जो सेल करता है वो, जो परचेस करता है, देर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन देम इन विच देर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन देम विच मे बी ओरल और रिटन, ओरल उनसे बोल के या फिर रिटर्न एग्रीमेंट हो सकता है, जैसे कि बिल मिलता है आपको, ओके, रिटर्न एग्रीमेंट। देखो मैं जो एग्जांपल बोल रहा हूँ ना आपको, घर के बाजू का दुकान, ओके, बहुत छोटा एग्जांपल है, बिजनेस ये बहुत वास्ट कंसेप्ट है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है, जहां पर करोड़ों में डीलिंग होती है। आप देखते भी होंगे बड़े बड़े बिजनेसमैन, टाटा बिरला अंबानी है, जेफ बेजोस है, अलीबाबा का सीईओ जैक मा है, ये सब लोग बिजनेसमैन है और इतना पैसा वो बिजनेस से ही बना रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉफिट मोटिव, अभी प्रॉफिट मोटिव क्या है भाई, द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम इट्स एक्टिविटी। देखो प्रॉफिट मतलब क्या, कि आपने पैसा लगाया उसमें से कुछ रिटर्न आया,
और बिजनेस क्यों, बिजनेस में पैसा लगाना पड़ता है, और क्यों लगाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट हमें मिलता रहे। विदाउट प्रॉफिट बिजनेस कैन नॉट बी कीप गोइंग ऑन इन द लॉन्ग टर्म। द वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट में डिफर फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। प्रॉफिट का वॉल्यूम चेंज हो सकता है, छोटा बिजनेस छोटा प्रॉफिट, बड़ा बिजनेस बड़ा प्रॉफिट, छोटा बिजनेस छोटा लॉस, बड़ा बिजनेस बड़ा लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, फायदा नफा, लॉस टोटा, या फिर नुकसान जिसको हम बोलते हैं। तो प्रॉफिट बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, बेस्ड ऑन बिजनेस जो भी है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन, ओके, अभी प्रोडक्शन मतलब क्या है, एक प्रोसेस होती है, कंपनी कारखाना फैक्ट्री जो अपन सुनते हैं। टू सेल द गुड्स टू कस्टमर्स, फर्स्ट दे हैव टू एदर मैन्युफैक्चर और बिजनेस, मैन्युफैक्चर बाय बिजनेस और टू बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सप्लायर। एक तो आप खुद बनाओ या किसी दूसरे से लो, राइट। अभी आपके जो शॉपकीपर होते हैं, छोटे छोटे जो शॉपकीपर होते हैं, वो खुद नहीं बनाते, वो क्या करते हैं, किसी और से लेते हैं, वो रिटेलर्स होते हैं, वो मैन्युफैक्चरर से गुड्स परचेस करते हैं। अभी अगर आप जाओगे आपके शॉप में, मतलब घर के पास के शॉप में, तो वहां पर तो कितने सारे प्रोडक्ट होते हैं। अभी वो प्रोडक्ट वो थोड़ी मैन्युफैक्चर करते हैं ना, हर एक बंदा अगर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते बैठेगा तो कैसे जमेगा। और एक ही शॉप में आपको हजारों गुड्स मिल सकते हैं अलग अलग तरीके के, तो वो अलग मैन्युफैक्चरर से परचेस करके आप बेच सकते हो या फिर खुद मैन्युफैक्चर भी कर सकते हो। अभी जहाँ पर वो एक्चुअल मैन्युफैक्चर होता है तो वो मैन्युफैक्चरर ही कहलाएगा, वो खुद बनाता है गुड्स। नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो ट्रांजेक्शन होता है उसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विथ मनी और मनीज वर्थ। ऑन द अदर हैंड दे कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन बार्टर सिस्टम। देखो फर्स्ट वाला जो इमेज दिख रहा है आपको, उसमें क्या हो रहा है, गेहूं दो ब्रेड लो, ओके, मतलब बार्टर सिस्टम जिसको बोलते हैं, गुड्स का एक्सचेंज होता है, कमोडिटी का एक्सचेंज होता है। भी गुड्स कमोडिटी क्या होता है, गुड्स मतलब कोई भी एक वस्तु, एंड कमोडिटी की मीनिंग सेम ही, तो उसका लेन देन होना, उसके बीच लेन देन होना। या फिर सेकेंड इमेज में आपको दिख रहा है कोई एक गुड्स दे रहा है और दूसरा पैसे दे रहा है, तो वो क्या रहेगा, वो नॉर्मल ट्रांजेक्शन जो आजकल आप करते हो। नेक्स्ट, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेस। In the absence of goods and services, business cannot take place. Every type of business transaction is concerned with either goods or services or both. Goods can be further divided into two parts. Okay, देखो goods ये हर जगह पे मिलेगा, without goods कुछ भी नहीं हो सकता, okay? या फिर services, goods या services, ये दोनों चीजें business transaction में involved होगी ही होगी। अभी दो टाइप के गुड्स है, एक है कंज्यूमर गुड्स, दूसरा है कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स मतलब क्या, जो नॉर्मल हम लोग परचेस करते हैं, कंज्यूमर परचेस करते हैं। कैपिटल गुड्स मतलब किसी बिजनेस को सेटअप करने के लिए, जैसे फैक्ट्री में मशीनरीज लगती है, देन उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी के आइटम्स लगते हैं, या फिर जो भी कैपिटल नेचर के होते हैं। कैपिटल मतलब भांडवल जिसको बोलते हैं, तो उसके नेचर के, मतलब स्टार्टअप के लिए जो चीजें लगती है, दैट इज कैपिटल गुड्स। ओके, जो बड़े बड़े मशीनरीज है फैक्ट्रीज में जो लगते हैं, या फिर हम बात करते हैं कोई भी एक ऐसी चीज की जिससे हम आउटपुट लेने वाले हैं फ्यूचर में, दैट इज कैपिटल गुड्स। और कंज्यूमर गुड्स मतलब जो आप शक्कर चीनी गेहूं ज्वारी बाजरी जो बाहर से परचेस करते हो, जो कोई भी आइटम परचेस करते हो, दैट इज कंज्यूमर गुड्स। नेक्स्ट होता है कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स। कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स मतलब क्या है, कि डीलिंग कंटिन्यूशन में चलने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ट्रांजेक्शन कर दिया मतलब बिजनेस, ऐसा नहीं होता। जैसे कि आप OLX पे आपकी ओल्ड गाड़ी बेच रहे हो या फिर मोबाइल बेच रहे हो, तो वो बिजनेस नहीं है, वो सिर्फ एक ट्रांजेक्शन है, कभी तो होगा। क्या आप रेगुलर में मोबाइल और गाड़ी बेचते हो क्या, नहीं। रेगुलर कंटिन्यूस सप्लाई होगा तभी जाकर वो बिजनेस में कन्वर्ट होगा। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड्स रेगुलरली इन ट्रांजेक्शन। वन सिंगल ट्रांजेक्शन डज नॉट constitute in business. For example, if a person sells his own motor car and earns profit, it will not be considered as a business. But if he is a car dealer, so he sells and purchases cars regularly, then it is considered as business activity. समझ में आ रहा है बच्चों? Business activities. अब जैसे कि आपने आपके दोस्त को कोई goods, अपने आपकी कोई चीज उसको बेच दी, okay, तो आप businessman नहीं हो गए। ओके, बिजनेसमैन कब हो गए या बिजनेस कब होगा वो, कि जब आप ये रेगुलर बेसिस पे करोगे। तो आप बोलोगे सर मेरे दोस्तों को, मैं सब दोस्तों को बेचता हूँ, ऐसा नहीं है। ओके, सो रेगुलर सप्लाई अगर होगा तभी जाकर हम उसको बिजनेस बोलेंगे। नेक्स्ट,
अनसर्टेन रिटर्न्स। ओके, रिटर्न मतलब क्या कि कुछ ना कुछ वापिस मिलना। ओके, समथिंग इन रिटर्न, जैसे कंसिडरेशन जो होता है, कंसिडरेशन भी रिटर्न में मिलता है। तो वही चीज कि कुछ ना कुछ वापिस मिले। अब बिजनेस क्यों कर रहे हैं हम? ओके, क्यों हम मेहनत करेंगे? क्योंकि पैसा मिले हम, राइट? तो पैसा मिलना भी तो चाहिए, वो रिटर्न में कुछ ना कुछ तो चाहिए। बट एक चीज होती है बिजनेस में, बिजनेस में रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। रिस्क मतलब क्या कि प्रॉब्लम आ सकते हैं कुछ ना कुछ। ये जैसे कि अभी देखते हैं अपन, 4 महीने बीच में लॉकडाउन की वजह से सारे बिजनेस ठप पड़े थे। अभी 3 महीने 4 महीने शॉप बंद थी, ये रिस्क फैक्टर होगा। 3 महीने तो बंद था तो कुछ रिटर्न ही नहीं मिला, होता है ना ऐसे। और दूसरा एक बात बोलूँ मैं आपको, जैसे कि होटल इंडस्ट्रीज है, अभी के सिचुएशन में भी होटल को ओपन करने के लिए पूरी तरीके से परमिशन नहीं मिली है। एजुकेशन सेक्टर, जैसे कि आप लोग, हम लोग, कि हम लोग अभी ऑनलाइन तो जुड़े हैं, बट ऑफलाइन रहता था तो अभी तक हमारा लगभग पहला टॉपिक आधे से ज़्यादा खत्म भी हो जाता था। तो ये चीज़ हर एक को अफेक्ट होता है। अनसर्टेन इवेंट्स हो सकते हैं, क्या पता कल और कोई कोरोना जैसा कोई और निकल जाए, तो बिजनेस को उसका अफेक्ट होता है। इस वजह से सर्टन रिटर्न्स हमें नहीं मिलते। अगर यही चीज मैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करूं या फिर प्रोफेशन के बारे में बात करूं, एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा कि मैं जॉब करूंगा तो मुझे रिटर्न तो डेफिनेटली मिलना है, मुझे सैलरी तो देनी पड़ेगी बिजनेसमैन को, राइट? हाँ, अगर वो झोलर होगा तो फिर वो नहीं देगा, बात अलग है। बट नॉर्मल टर्म्स में कि भाई ये सेटिस्फेक्शन होता है, मैंने काम किया, मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न में मिलेगा, समझ रहे हो बात? बट बिजनेस में वैसा है क्या? नहीं। आप अच्छा, जितना अच्छा काम करोगे उतना आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ रिस्क, रिस्क आता है यहाँ पर। रिस्क इज द की एलिमेंट ऑफ एवरी बिजनेस विच इज कंसर्न विथ लॉस। इट इज ड्यू टू अनडिजायरेबल और अनफेवरेबल इवेंट। एवरी बिजनेस विल हैव सम और द अदर रिस्क, फॉर एग्जाम्पल फायर, थेफ्ट, नेचुरल कैलामिटीज, अलग अलग ये रिस्क इन्वॉल्व होता ही है। नेक्स्ट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये भी एक चीज जरूरी है कस्टमर के, मतलब हम, कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट ऐसा बोला जाता है। ओके, और बिजनेस क्यों चल रहा है? कस्टमर है इसकी वजह से। अगर मैं गुड्स बना लूँ, मैं गुड्स बेचने के लिए शॉप डालू, बट कस्टमर ही नहीं है, क्या चलेगा भाई? बिजनेस कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द अल्टीमेट एम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मॉडर्न बिजनेस बिलीव्स इन सेटिस्फाइंग कस्टमर बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट अ रीजनेबल प्राइस। द पर्पज ऑफ द बिजनेस इज टू क्रिएट एंड रिटेन इट्स कस्टमर। सिंपल सी बात है। आप कभी मॉल में गए हो, मॉल में पैंटालूम्स के शोरूम में गए हो, या फिर मैक्स के शोरूम में गए हो, या फिर ग्लोबस के शोरूम, मतलब ये कपड़े वाले जो शोरूम होते हैं, या फिर बिग बाजार वगैरह तो गए ही होंगे। क्या होता है एंड में, आपका फीडबैक लिया जाता है। फीडबैक क्यों लिया जाता है? कि कस्टमर सर्विस कैसी है वो जानने के लिए। होटल्स में जाते हो, वहां पर भी फीडबैक वाला सिस्टम होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं वो देखना। होटल्स में तो होता है, हॉस्पिटैलिटी जो होती है ना, हॉस्पिटैलिटी मतलब वो जो वो काइंडनेस दिखाते हैं कि सर ये लाओ, सर वो करूँ, सर ये करूँ। ये क्यों करते हैं? क्योंकि कस्टमर सेटिस्फाइड रहे, और कस्टमर सेटिस्फाइड मतलब सब कुछ ठीक है, मतलब वो कस्टमर वापस भी आएगा। आप ही देखो, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, कहीं आप शॉप में गए, कहीं गए और आपने आपको लगा कि वो बंदा बहुत अच्छा है, बढ़िया है, तो आप किसी और को रेफर करते हो और आप भी नेक्स्ट टाइम वहां पर ही जाते हो। तो होता क्या है, बिजनेसमैन का फायदा है, कस्टमर वापस आ रहे हैं, नए कस्टमर भी आ रहे हैं आपके रेफरेंस के वजह से। सो ये चीज होती है कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, ये अल्टीमेट गोल होता है किसी भी बिजनेस का। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू बोलने से पहले मैं एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते, कौन से हमने पॉइंट देखे, फटाफट देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमने देखा था एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, देन उसके बाद में टू पार्टीज। ओके, सबसे पहले क्या देखा था हमने? इकोनॉमिक एक्टिविटी, टू पार्टीज, प्रॉफिट मोटिव, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर से एक बार, इकोनॉमिक एक्टिविटी, टू पार्टीज, प्रॉफिट मोटिव, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स, अनसर्टेन इवेंट्स, देन उसके बाद में एलिमेंट ऑफ रिस्क, देन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो ये जो 10 दिए हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिजनेस क्या होता है समझने के लिए यूजफुल होगा। तो होप्स आपको समझ में आया होगा मैंने क्या बोला, क्या हमने लिया आज। ओके, सो अगर नहीं समझा होगा तो मैसेज करो। ओके, और अगर आपको लगता है कुछ चेंजेस चाहिए, या फिर आपको ऐसा लगता है कि सर ये हमें डिटेल में बताओ, ये समझा नहीं है, तो आप प्लीज मुझे बता सकते हो। दूसरी बात, जो आपका टेक्स्ट बुक है,
कुछ स्टूडेंट के मुझे मैसेज आए थे कि सर टेक्स्ट बुक के बारे में बताओ, तो आपका जो टेक्स्ट बुक है मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में और मेरे पुराने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी थी, और ये जो पॉइंट्स है ये आपके टेक्स्ट बुक के ही पॉइंट है, टेक्स्ट बुक में से ही हमने लिया है। टेक्स्ट बुक कौन सा? स्टेट बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, नहीं भी स्टेट बोर्ड का बुक है बट फिर भी आप ये चीज समझ सकते हो और आपने नोट डाउन करना है जो भी मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, एक दो मिनट बस मैं ये बुक आपको ओपन करके बता दूंगा। कि जिसमें हमने कहां तक आज कवर किया है, लोड होने में समय ले रहा है थोड़ा सा। बहुत बड़ा बुक है आपका। ओके, ये टेक्स्ट बुक आपको दिख रहा है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एक बार डाउनलोड कर लेना, ई बाल भारती से आपको वो डाउनलोड करके मिलेगा। आपको ये कवर दिख रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना है और जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, ओके, ये जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसके अंदर हमने आज बिजनेस, ये हमारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो फर्स्ट पार्ट था बिजनेस, उसको हमने कवर किया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हमारा हो चुका है, कल हम देखेंगे प्रोफेशन जो आपके ऊपर स्क्रीन पे दिख रहा है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, होप्स आपको समझ में आया होगा, और जो भी आपकी क्वेरीज होंगे प्लीज कमेंट करें, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलें।